तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें आरसी प्लेन बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए होती है और हमें टोटल कितना खर्चा आएगा आरसी प्लेन बनाने में। तो गाइस, यहाँ पे हमें चाहिए होगी एक ब्रशलेस मोटर, जो कि आप या तो 1000 केवी की ब्रशलेस मोटर ले सकते हैं या फिर आप 1400 केवी की, इन दोनों में से आप कोई भी ब्रशलेस मोटर ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक प्रोपेलर, जो कि या तो आप 10 इंच का प्रोपेलर ले ले या फिर 8 इंच का। अगर आप 8 इंच का प्रोपेलर यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसके साथ 1400 केवी की ब्रशलेस मोटर लेनी पड़ेगी। अगर आप 10 इंच का प्रोपेलर ले रहे हैं तो आपको 1000 केवी की ब्रशलेस मोटर लेनी पड़ेगी। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। हमें चाहिए होगा एक स्पीड कंट्रोलर, जो कि हमारी ब्रशलेस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आपको 30 एम्पियर का स्पीड कंट्रोलर लेना है। तो गाइस, अब हमें चाहिए अपने प्लेन के लिए एक पावर सोर्स। तो यहाँ पे हम अपने प्लेन को पावर देने के लिए यूज करेंगे एक लिपो बैटरी। यहाँ पे आप दो टाइप की बैटरी यूज कर सकते हैं, एक आती है 1500 mAh की और एक होती है 2200 mAh की। तो आप इन दोनों में से कोई भी बैटरी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्लेन का वेट जो थोड़ा लाइट है तो आप यहाँ पे 2200 mAh की बैटरी आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लेन थोड़ा हैवी हो रहा है तो आपको 1500 mAh की बैटरी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन गाइस, इन दोनों बैटरीज में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, वो है कि इनकी वोल्टेज, दोनों बैटरी जो है वो 11.1 वोल्ट की होनी चाहिए। गाइस, अब हमें चाहिए 9 ग्राम सर्वो मोटर, जो कि हमारे प्लेन की लेफ्ट राइट और अप डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करती है। यहाँ पे हमें 4 सर्वो मोटर्स की जरूरत होगी। अब गाइस, हमें चाहिए होगा एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, जो कि हमारे प्लेन के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खत्म हो जाते हैं, बस हमें प्लेन में इतने ही इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करने होते हैं। गाइस, इन सभी चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप ये चीजें अगर चाहे तो बाय कर सकते हैं। अब लास्ट चीज ये है कि हमें अपने प्लेन की बॉडी को किस चीज से बनाना चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर प्रोफेशनल लोग तो डेप्रोन फोम का यूज करते हैं, लेकिन ये डेप्रोन फोम कई जगहों पर अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए आप यहाँ पर कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे टीवी या फिर फ्रिज के साथ में आता है। तो आपको अगर प्लेन बनाना है तो साथ में आपको एक फ्रिज या फिर टीवी खरीदना पड़ेगा अपने प्लेन को बनाने के लिए। क्या बोला तूने? तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेन बनाने में कितना खर्चा आएगा। जल्दी आप एक कैलकुलेटर लेके बैठ जाए। यहाँ पे आपको प्रोपेलर का जो प्राइस है वो 110 रुपये होगा, और जो हमारी ब्रशलेस मोटर है उसका प्राइस है 400 रुपये, और ऐसे हमारे स्पीड कंट्रोलर का प्राइस है 400 रुपये, और हमारी जो लिपो बैटरी है उसका प्राइस है 1300 रुपये, और हमारी जो एक सर्वो है उसका प्राइस है 110 रुपये। तो ऐसे ही 4 सर्वो हमें चाहिए होंगी, तो उनका हो गया 440 रुपये, और गैस हमारे ट्रांसमीटर का प्राइस है 5000 रुपये। तो ऐसे ही अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 7650 रुपये। तो यहाँ पे हमारे प्लेन को बनाने में टोटल 7650 रुपये का खर्चा आता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।